कहीं ना कहीं ये अंदर मेरे था कि बड़े होके कुछ नहीं तो एक्टर तो बनना ही है मुझे मिला एक ब्रेक विथ अ शो कॉल मनी बेन डॉट कॉम जिसमें आई वॉज बींग यंगर ब्रदर अ डेफ यंगर ब्रदर टू स्मृति ईरानी फोर मंथ्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज ना किसी प्रोडक्शन हाउस से मुझे फ़ोन आया ना किसी फिल्म से मुझे फ़ोन आया फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ रहा था कि शादी हो गई है पेरेंट्स उम्र बढ़ रही है तब पापा ने कहा देख ले बेटा अभी भी टाइम है इट इज बेटर तूने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कोई अच्छी सी जॉब कर ले फिर मुझे पता चला कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं हूं तन्मय वेकरिया मैं एक अभिनेता हूं और आप सब मुझे जानते हैं इस देश के सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एज बाघा तो आज मैं जो स्टॉक के माध्यम से अपनी लाइफ जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा और मेरा सौभाग्य है कि जो स्टॉक ने मुझे यह माध्यम दिया मुझे चुना आप सबके साथ मेरी इस जर्नी को शेयर करने के लिए बॉम्बे के वेस्टर्न सबब में कांदीवली नाम का एक अ एक, प्लेस कॉल कांदीवली इन वेस्टर्न सब ऑफ मुंबई जहां पे मेरा जन्म हुआ एंड देन बस बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरी परवरिश हुई बस बहुत छोटा सा परिवार था हमारा मैं माई मॉम माई डैड एंड माई यंगर ब्रदर मनवीत हु इज़ करंटली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो ऑस्ट्रेलिया में सेट है लेकिन मेरे पिताजी मिस्टर अरविंद वेकरिया जो गुजराती थिएटर में काफ़ी अच्छा एंड पॉपुलर नेम है मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्टिंग का कीड़ा जो मुझ में आया वो कहाँ से आया तो बस वहीं से आया बचपन में आ, उनको देखते हुए आ, उनके साथ रिहर्सल प्रोसेस में जाते हुए या उनके शोज अटेंड करते हुए मुझे भी कहीं लगा कि यार दिस इज समथिंग मैं Uh, बहुत एन्जॉय कर सकता हूँ इस चीज़ को हालांकि तभी ये उम्र नहीं थी कि मैं ऑप्ट कर सकूँ अपना प्रोफेशन आफ्टर माय स्टडीज़ लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर मेरे था कि बड़े हो के कुछ नहीं तो एक्टर तो बनना ही है और एक्टर ही बनना है आई वाज वेरी मच सॉटेड एंड फोकस्ड पिताजी को देखते 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 स्कूलिंग uh, स्टार्ट की मैंने पोईसर में दज अ स्कूल और आल लेडी ऑफ एमडी हाई स्कूल वहाँ पे मैंने अपना आ, आ, एजुकेशन स्टार्ट किया आई वॉज नॉट अ फेंटास्टिक स्टूडेंट आई वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो हमेशा क्लास के आउट में ही खड़ा होता था इनसेड कभी होता नहीं था तो आई वॉज़ वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड पढ़ाई करते 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 कहीं अंदर अंदर ये uh, मेरे जहन में था कि यार जल्दी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जल्दी वैकेशन हो ताकि मैं अपने डैड के साथ जाके वो प्रोसेस पूरा इन्जॉय करूँ और यू you नो know, शोज़ देखूँ उनके अलग अलग एक्टर्स से मिलूँ और वो जो जो स्टेज होता है बैक बैक स्टेज होता है ग्रीन रूम होता है उसका माहौल मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता था एंड देन थोड़ी सेंस आने के बाद आ, मैंने अपने पिताजी से अपनी माताजी से कहा कि भाई मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक्टर बनना चाहूँगा तो आ, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैंने उनसे कहा और उन उन्होंने हाँ बोलने के बजाय मुझे मना कर दिया कि नहीं यार डैडी ने बोला कि देखो तुम देख रहे हो मुझे यार द लाइन इज़ टोटली ऑफ इनसिक्योरिटीज़ कहाँ यार एक प्ले ख़त्म होने के बाद दूसरा पे मिलता है उसके बीच का जो टाइम होता है दो महीना ढाई महीना वहाँ पे या तो हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है या फिर आ, कुछ नहीं होता है तो इट इज़ बेटर कि आप पढ़ लिख के कोई अच्छा जॉब ले लो और बाय द वे एक्टिंग को आप ऑप्ट आप करो जहाँ पे टाइम मिला तो एक्टिंग कर ली नहीं तो ब्रेड एंड बटर तो चलता रहेगा पहले पहले मुझे इस बात को बहुत ही सीरियसली ली मैंने इस बात को कि नहीं यार इनकी बात तो सही आफ्टर उनका एक्सपीरियंस अलग है उनकी जर्नी अलग है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि नहीं यार करना तो यही है कुछ भी हो जाए तो बस अराउंड नाइन्टी नाइन में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पूरे जोश के साथ मैं लग पड़ा सबसे पहले मैंने अपना पोर्टफोलियो निकलवाया और यहीं जहाँ पर ये हो रहा है शूट आराम नगर यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ है वहाँ जाके अपने पोर्टफोलियोज़ दिए जहाँ पे पीछे हमें अपना नाम लिखना होता है हाइट लिखनी होती है फ़ोन नंबर लिखना होता है और हर एक प्रोडक्शन में जा जाके हर एक को दस्तक दे दे के मैंने अपने फ़ोटोज़ दिए कई सारे ऑडिशंस दिए लेकिन डेस्टिनी देखिए जहाँ पे मैंने हर एक प्रोडक्शन हाउसिस में जाकर ऑडिशंस दिए हैं आज वहीं आराम नगर में जो स्टॉक के माध्यम से आप सबके साथ मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहा हूँ सो ये डेस्टिनी है और मेरा यही मानना है कि किसी भी चीज़ को हम अगर प्योरिटी के साथ डिसिप्लिन के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी चीज़ के पीछे लग जाए तो भगवान हमें डेफिनेटली सक्सेस देता ही है कमिंग बैक टू माई जर्नी सो नाइन्टी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने आप सबसे कहा कि बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में मैं जाता था अपने पिक्चर्स देता था ऑडिशंस देता था उन दिनों भाईदास ऑडिटोरियम हमारे विले पार्ला में एक हुआ करता था जहाँ पे देर वॉज अ स्मॉल कॉफ़ी शॉप जिसका नाम था खेलैया वहाँ पे सारे थिएटर के गुजराती थिएटर के आर्टिस्ट आके मिलते थे और हम सभी वहाँ उस उस उस, उस ज़माने में जाया करते थे ताकि हमें पता चले कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं या कोई नए प्ले की कास्टिंग हो रही है तो वहाँ से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी और वो ले बस नेक्स्ट डे वापस सुबह जाना आना ये करीबन चला एक डेढ़ साल एंड एक डेढ़ साल तक ना मेरे पास कोई काम था इंस्पाइट ऑफ बीग अ ग्रेजुएट ना मेरे पास कोई इनकम थी चैलेंज अब शुरू हुई क्योंकि एज हो गई थी और पापा भी अपने हिसाब से काम कर रहे थे मेरा छोटा भाई अभी तक सीए पढ़ाई कर रहा था एंड देर वॉज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम माई फादर दैट ही यूज टू गेट इट फ्रॉम द थिएटर शोज़ तब पापा ने कहा देख ले बेटा अभी भी टाइम है इट इज़ बेटर तूने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कोई अच्छी सी जॉब कर ले कोई कहीं नहीं तो अ, मेरे मामा जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है अ, उनके यहाँ जॉब कर ले तो फिर मैंने सोचा नहीं यार इट इज़ बेटर टू बी अ सपोर्टिंग हैंड टू माई फादर रादर देन नॉकिंग एवरी प्रोडक्शन हाउस इज डोर एंड आस्किंग दैम फॉर अ रोल तो फिर मैंने मेरे मामा से बात की मिस्टर भरत से जो खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टड अकाउंटेंट है और टाउन में उनकी ऑफिस है उस जमाने में सात सौ रुपये की जॉब उन्होंने मुझे दे दी और एक ट्रेन का पास सेकेंड क्लास का पास जो उन्होंने मुझे दिया एंड देन उनके यहाँ पे अकाउंट्स का जॉब मैंने स्टार्ट कर दिया जिसमें कंप्यूटर में डेटा एंट्रीज होती है इनकम टैक्स सेल्स टैक्स ऑफिस में जाके रिटर्न फाइल करना और ये सब काम uh, उनके उनके द बेसिक आइडिया वॉज कि मैं अपने आप को बिज़ी रखने लगा क्योंकि एज़ वी नो एम टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप और उन दिनों काम ना होने की वजह से मुझे इतना डिप्रेशन आता था इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कि दिस इज़ माई एज जहाँ मैं भागना चाहता हूँ जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ मुझे काम मिल नहीं रहा है ऑफकोर्स थिएटर चल ही रहा था लेकिन उसमें भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिले क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि हम uh, uh, एक डेढ़ महीना रिहर्सल करते हैं और फर्स्ट शो रिलीज़ होने के बाद उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि ये प्ले पाँच शो चलेगा पचास शो चलेगा या सिर्फ सौ शो या सौ शो चलेगा तो ऐसे इनिशियली काफ़ी ऐसे प्लेज मैंने किए जिससे सिर्फ दस शो हुए पंद्रह शो हुए एक प्ले में तो मैं मेन लीड कर रहा था और मुझे बहुत होप्स थे कि ये प्ले से मेरा करियर एकदम सेट हो जाएगा और आ, मेरी करियर की फ्लाइट फुल टेक ऑफ हो जाएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्ले छः शो में बंद हो गया और उसके बाद आई वाज टोटली डिप्रेस और मैंने ये तय कर लिया कि एक्टिंग नहीं करनी है ये अपना काम नहीं है इट इज़ बेटर कि मैं अपने मामा के यहाँ पे ये अकाउंटिंग का जॉब चालू रखूँ और इसमें ही अपने आप को एक्सप्लोर करूँ आगे जाके पार्ट टाइम जॉब चालू करूँ और उन दिनों मेरे पिताजी एक फॉर्म में पार्ट टाइम जॉब करते थे के के टेलर्स अगेन इट्स इन अ टाउन तो वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए मैं जाया करता था एंड आई वॉज वेरी थ्रू विथ माई कंप्यूटर अकाउंट्स तब मुझे एक प्ले की ऑफर आई जिसमें अगेन आई वॉज़ डूइंग अ मेन रोल एंड वो प्ले ऐसा था कि आ, आप सब ने संजय छेल का नाम सुना होगा जिन्होंने काफ़ी फिल्में लिखी हैं जैसे रंगीला एंड बहुत सारी शाहरुख खान की हम भी फिर भी दिले हिंदुस्तानी तो उनके प्ले की मुझे ऑफर आई जो उन्होंने लिखा था और करीबन दो महीना रिहर्सल करने के बाद क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगा कि ये कुछ वर्क नहीं करेगा ये सब्जेक्ट इट इज़ टू अर्ली देन द टाइम एंड अगेन आई वॉज़ बैक टू स्क्वायर वन अगेन वही सुबह उठो ट्रेन पकड़ो टाउन जाओ जॉब करो रात को आओ उन दिनों मुझे पता चला कि आप सब जिन्हें जेठालाल के नाम से जानते हैं मिस्टर दिलीप जोशी वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं और उस प्ले को लिखा था उमेश शुक्ला ने जिन्होंने ओ माय गॉड या फिर हंड्रेड एंड टू नॉट आउट दो फिल्में डायरेक्ट की हैं और काफ़ी फिल्में लिखी हैं उनके साथ मेरा अच्छा रेपो था और जब भाईदास डेज़ में मैं जाता था स्ट्रगल करने के लिए मैं उन्हें कहता रहता था कि उमेश सर प्लीज़ को एक एक रोल दे दो एक रोल दे दो तो कहीं उन्होंने उस इस चीज़ को जहन में रखा था और ये दिलीप सर जो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे उस प्ले की कास्टिंग में उन्होंने मुझे फ़ाइनल किया हालांकि मेरी एज थर्टी थी उस समय मेरी शादी हो चुकी थी मेरी बेटी आ चुकी थी और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद देर वॉज़ नो फिक्सड इनकम फॉर मी एक्सेप्ट फॉर सेवन हंड्रेड रुपीज़ दैट आई यूज टू गेट फ्रॉम माई मामाज ऑफिस एंड सम अराउंड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ ईयरली फ्रॉम द पार्ट टाइम जॉब दैट आई यूज़ टू डू फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ रहा था डिसपॉइंटमेंट इतनी हो रही थी कि शादी हो गई है पेरेंट्स की उम्र बढ़ रही है भाई तो सी ए हो गया था तब तक एंड ही वॉज इन दुबई एंड बेटी है उसका पढ़ाई जर्नी हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ़ मी बींग अ फादर और इतना दूर लग रहा था कि कब मैं क्या करूँगा यार इट वॉज़ सच अ सैड टाइम फॉर मी हालांकि किसी भी पिता के लिए ये खुशी की बात होती है कि उसको एक बेटी आई है लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है उसके घर लेकिन मेरे लिए इट वॉज़ टू डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम बट समहा ये प्ले मुझे तभी मिल गया एंड उसमें मेरा छोटा रोल था सेकेंड हाफ में अराउंड टू सीन्स लेकिन उस सीन उस 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 रोल ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन दिया इन द गुजराती थिएटर इंडस्ट्री एक रेकग्नीशन मिला उसके बाद दूसरा प्ले आया कमाल पटेल वर्सेज धमाल पटेल जिसमें मेरा फुल फ्लेज थ्रू आउट रोल था एंड uh, मेरे ऑपोजिट थी दिशा वकानी जिसे आप सब लोग दया भाभी के नाम से जानते हैं तो मी एंड दिशा वर इन पेयर इन दैट पर्टिकुलर प्ले कॉल कमाल पटेल वर्सेज़ धमाल पटेल बस उसके बाद फिर धीरे धीरे थिएटर में अपना पगडंडा जमाते हुए टेलीविज़न की तरफ रुख किया मैंने पहले रीजनल शोज़ किए गुजराती टेलीविज़न सीरियल्स की जहाँ पे पाँच सौ रुपये सात सौ रुपये हज़ार रुपये मैक्मम जो मुझे मिला था वो था बारह सौ रुपये पर डे इन गुजराती सीरियल फिर आ, हिंदी सीरियल्स में तब तक कुछ अच्छे गुजराती प्रोड्यूसर्स आ गए थे जिनको पता था कि अच्छा एक्टर है जैसे जे डी मजेठिया हो गए आसिफ भाई मोदी हो गए तो उनके शो में कैमियोस करने का मौका मिला जैसे बा और बेबी एंड सारा भाई वर्सेज सारा भाई उसमें कैमियोस किए एक दिन का रोल आधे दिन का रोल एक सीन छोटा सीन बड़ा सीन ऐसे करते 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 फिर आई केम इन कॉन्टैक्ट विद मिस्टर राजन वाघ दरे उन दिनों उनका एक शो बहुत ही पॉपुलर था यस yes, बॉस जो सब टी वी पर आता था तो मैंने राजन जी से कहा कि सर प्लीज़ तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे रोल देना शुरू कर दिए एंड देन फिर मुझे मिला एक ब्रेक विच वॉज नॉट अ ब्रेक बट अ रिकोगग्नीशन इन टेलीविजन विथ अ शो कॉल मनी बेन डॉट कॉम जिसमें आई वॉज़ प्लेइंग अ यंगर ब्रदर अ डेफ यंगर ब्रदर टू स्मृति ईरानी और उस एक साल के ड्यूरेशन में मुझे टेलीविज़न टेक्निक्स काफ़ी जानने मिली क्योंकि एक कैमियो करना और रोज़ शूटिंग पे जाना तो उसमें क्या होता है कि टेक्निकलिटीज आप एवरीडे शूट में जाते हो तो आपको बहुत पता चलती है आपको सारी नई नई चीज़ें जानने मिलती हैं एंड फिर मनी एक साल चला उसके बाद थिएटर तो चल ही रहा था लेकिन मनी बेन और थिएटर का क्लैश इतना होता था कि आई हैव देर हैज़ बीन टाइम वेर इन आई यूज़ टू शूट द एंटायर डे टिल इवनिंग आई यूज़ टू कैच अ फ्लाइट आई यूज़ टू गो टू गुजरात आई यूज़ टू परफॉर्म देर ओवर नाइट ट्रैवल करके वापस आई यूज़ टू कम टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जहाँ पे फ़्लाइट मिलती थी वो पकड़ के मैं बॉम्बे आता था सेट पे आके नहाता था शूट करता था वापस शाम की फ्लाइट पकड़ के आई यूज़ टू गो टू गुजरात ये करीबन मैंने साढ़े तीन चार महीना किया तो मनी मैन खत्म होने के बाद मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि थिएटर और टेलीविज़न ये दोनों साथ में करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये काफ़ी टैक्सिंग है एनर्जी आपकी काफ़ी जाती है एंड द द वर्स्ट पार्ट इसके स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि थिएटर का कमिटमेंट बहुत अलग होता है और यू हैव टू बी ऑन टाइम यू हैव टू बी पंक्चुअल आपकी ओर से शो कैंसिल ना हो आपकी ओर से शो लेट ना हो क्योंकि आप तो टेलीविज़न करके अर्न कर रहे हो लेकिन दूसरे जो थिएटर के जो बैकस्टेज वाले हैं म्यूज़िक ऑपरेटर्स है दूसरे आर्टिस्ट हैं उनकी इनकम अफेक्ट होता है तो फिर मैंने तय कर लिया कि नहीं यार अभी थिएटर नहीं करना है अब तो मन गया एक रेकग्निशन हो गया है मनी बैन में स्मृति ईरानी का भाई तो अब तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो थिएटर के जो ऑफर्स आते थे वो मैंने मना करना शुरू कर दिया ंग अबाउट ऑगस्ट जुलाई ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड टेन और फिर तो मुझे लगा मैं स्टार हो गया हूँ एवरीथिंग इज सेट नाउ नाउर इज नो प्रॉब्लम बट ऑगस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर फोर मंथ्स 120 डेज मेरा फोन बजा है तो या तो कोई सिम कार्ड बेचने वाला या कोई बैंक वाला या कोई क्रेडिट कार्ड वाला ना किसी प्रोडक्शन हाउस से मुझे फोन आया ना किसी फिल्म से मुझे फ़ोन आया जाने दो फ़ोन तो जाने दो कोई ऑडिशन के लिए भी मुझे फ़ोन नहीं आया इन चार महीनों में एंड अगेन आई वॉज़ फीलिंग लाइक कि यार ये क्या होगा काम इसफायर हो गया यार काम तो इतना अच्छा किया है आई एम अगेन बैक टू स्क्वायर वन और उस ड्यूरेशन में मुझे हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का एक शो मिला जिसका शूटिंग हमने वाई में किया था और काफ़ी अच्छा रोल था आतिश कपड़िया लिख रहे थे और इट वॉज़ अ फेंटास्टिक रोल सो अगेन आई वॉज लाइक कि चलो हो गया भाई अभी इस लाइफ सेट है ये रोल इस बड़ी चैनल के लिए बन रहा है ये शो एंड अगेन आई एम सेट एक महीना शूटिंग का होने के बाद एक महीना हुआ दो महीना हुआ तीन महीना हुआ देर वॉज नो कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस एंड फिर बाहर से कहीं पता चला कि प्रोडक्शन हाउस और चैनल के बीच में कुछ क्लैश हो गया है तो दिस शो इज़ नॉट हैपनिंग तो अगेन दैट डिप्रेशन फेज़ आ गया लाइफ में कि अब क्या यार थिएटर वालों को मना कर रहे हैं टेलीविजन में कोई कास्ट नहीं कर रहा है तो मैंने बोला लगता है मामा को फ़ोन करके वापस अकाउंटेंसी वाली जॉब ले लेता हूँ क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है और वाइफ के भी अपने नीड्स होते हैं जो उन्होंने कभी बोला नहीं है मुझे बट वी कैन अंडरस्टैंड यार कि शादी हुई है उनके भी अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं फिर मुझे पता चला कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक किरदार की खोज चल रही है मैंने कहीं वाया वाया मुझे पता चला तो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया उन दिनों क्रिएटिव हुआ करते थे मिस्टर अनुराग प्रपन्न हमारे तारक मेहता शो में मैंने कहा अनुराग भाई मैंने सुना है एक कास्टिंग चल रही है तो मुझे काम चाहिए यार तो बोलते हैं हाँ ठीक है तू आ जा सेट पे मिलने तू मिले देखते क्या होता है और मैं गया सेट पे एक तभी उन दिनों कुछ क्रेडिट कार्ड की स्टोरी चल रही थी उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था जिसमें तीन दिन का काम था तो उसने बोला तू ये अभी कर ले तीन दिन का फिर आगे देखेंगे अभी तो तू तेरा कुछ काम नहीं है तो एटलीस्ट तेरा पर डे पकता रहेगा तीन दिन तक मैंने कहा ठीक है और जैसे ही मैं लिफ्ट से लिफ्ट हुआ करती थी हमारे सेट पे जाने के लिए तो लिफ्ट के पास मैं खड़ा था और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हमारे जो अभी फ़िलहाल जो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है मिस्टर सोहिल रमानी वो आए उन्होंने कहा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं क्योंकि पहले मैं तारक में चार पाँच कर कर चुका था जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो गया या फिर टीचर का रोल हो गया एंड uh, तो ने बोला कि मैंने कहा अनुराग भाई से मिलने आया था इस फला रोल के लिए तो नहीं नहीं वो रोल मत करो वो क्यों कर रहे हैं आपको आई सेड अरे यार अभी ये मेरा माइंड सेट हुआ है वापस ये अननेसेसरीली जो काम मिला ये भी हाथ से ना चला जाए फिर उस बोला नहीं एक बाघा करके कैरेक्टर आ रहा है आप वो करो मैंने कहा वो क्या है बताया नहीं वो जो करण नटुका का कर रहे हैं घनश्याम भाई उनकी सर्जरी हुई है तो कुछ सीन्स हैं जो उनके एब्सेंस में करने पड़े ऐसे ही हैं बट सिंस ही इज़ नॉट एबल टू डू इट आप कर लो सो आई सेट फाइन मैंने ऑडिशन दिया एंड सिंस आई वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री विथ दिलीप सर क्योंकि हमने प्ले पहले किया था तो इवन ई वॉज ओके विथ मी डूइंग बाघा एंड देन फर्स्ट डे जब बाघा का शूट हुआ तो पहले तो ये डिस्कस हुआ कि कैसा होगा ये कैरेक्टर तो अब मैं जो स्टॉक के माध्यम से आपसे जर्नी शेयर कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये कैरेक्टर कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है लेकिन मेरे ध्यान में एक ऐसा बंदा है जो ऐसे बाल रखता है और ऐसे खड़े रहता है जो कभी कभी हाथ भी ऐसे कर लेता है तो उसको मैंने बहुत सालों पहले ऑब्जर्व किया था तो मैंने कहा यार ये कैरेक्टर कुछ अलग है इसको अगर कहीं निभाने का मौका मिले तो इसको मैं प्रॉपर जस्टिफाई कर सकता हूँ तो आसिफ भाई भी उन दिनों सेट पे आते थे तो मैंने उनसे कहा कि सर उनसे दिलीप सर से कि ये ऐसा कुछ करूँ मैं तो उनको बहुत फ़नी लगा उनको लगा कुछ यूनिक है एक नॉर्मल बंदा नहीं है कुछ अलग लग रहा है इसमें और हेयरस्टाइल तो वैसी थी बाघा बेसिकली इन गुजराती टर्म इज़ अ डम गाय तो वो हेयर स्टाइल से काफ़ी कुछ पोट्रे हो रहा था उस कैरेक्टर को लेके एंड देन पहला शूट मैंने पहले दिन किया उस दिन से ही मुझे दिलीप सर ने आसिफ भाई ने बोल दिया था कि दिस इज़ अ हिट कैरेक्टर ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बेंच मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है बट स्टिल देखते हैं एंड देन ट्वेंटी जून टू द फर्स्ट एपिसोड आई स्टिल रिम्बर द डेट दैट वॉज एड ऑन सब टी वी एंड किसी भी एक्टर के लिए लाइफ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होती है जब वो इस चीज़ को याद करे कि रातों रात मेरी लाइफ चेंज हो गई एंड नौ बजे से लेकर करीबन रात को साढ़े बारह एक बजे तक ऑफ ते द गुजराती टेलीविजन कॉल्ड मी एंड अप्रिशिएटेड मी माई जॉब एंड नेक्स्ट डे फिर आसिफ भाई ने मुझे ऑफिस बुलाया और मुझे इस जो जो कैम्यो था जो चार पाँच एपिसोड के लिए चाहिए था उस रोल को धीरे 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 कन्फर्म करके उसको डेवलप किया इतना डेवलप किया कि टुडे बाघा इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द एंटायर शो बाघा को बावरी ला दी बावरी के साथ सगाई करवाई बहुत जल्द शादी करवाएंगे, एंड सो दिस इज़ द जर्नी वेर इन स्ट्रगल्स भी थे काफ़ी और डाइवर्जन्स uh, uh, भी थे टर्मोइल्स भी थे इन टर्म्स ऑफ के क्या करूँ अब छोड़ देता हूँ एक्टिंग जॉब ही पकड़ लेता हूँ हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि एक फिक्स इनकम होनी चाहिए एक्टिंग इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एंड जो आज है कल नहीं होगा लेकिन मैं ये कहता हूँ जो आज है वो कल नहीं होगा लेकिन परसों वापस होगा द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू टेल टू एवरी व्यूअर्स इज़ दैट एनी थिंग यू डू इन योर लाइफ प्योरिटी डिसिप्लिन कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ये चार चीज़ अगर आपके अंदर है तो भगवान डेफिनेटली आपको हेल्प करता ही है मैंने चार महीने जो निकाले हैं अगर मैं मैंने तो सिर्फ बोल दिया कि चार महीने निकाले हैं लेकिन बोलने के साथ भी स्टिल हैव गूज बम्स वो चार महीने मैंने कैसे निकाले हैं विदाउट अ सिंगल फोन कॉल फ्रॉम एनी बडी नो इनकम इवन अ सिंगल पेनी इनकम फॉर दैट फोर मंथ्स अ स्मॉल गर्ल हु इज़ ग्रोइंग अप अ वाइफ हु हैज़ हर ओन ड्रीम्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एज यू नो तो काफ़ी दिक्कतें आईं काफ़ी चैलेंजेस आईं लेकिन मुझे सिर्फ इतना था कि आई एम प्योर इन वॉट एवर आई एम डूइंग एंड वॉट एवर आई डू आई डू इट विद फुल प्योरिटी विदाउट एनी मेलिसनेस विदाउट एनी चीटिंग और आज भी आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा शो द एंटायर कास्ट द एंटायर प्रोडक्शन हाउस इज सो प्योर आई थिंक वो प्योरिटी है तभी भगवान ने उन सबको ब्लेस किया इंक्लूडिंग अस एवरी एक्टर्स for being a journey of this fantastic history. 16 years of a show is not a joke. 16 years, you know. Ek bacha jo first mein tha, aaj wo shayad 10th mein hai. So this entire journey is only because of purity and sheer commitment. तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा जो stock के माध्यम से कि वो जो शपन अंदर बरकरार रखना life में जो भी करो purity के साथ करो discipline के साथ करो commitment के साथ करो पीछे हट मत करो और आई एम श्योर इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भगवान आपको वो शक्ति देगा और भगवान आपको वो सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा थैंक यू सो मच इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें